ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। एक पॉइंट पिछले 5 साल से हर जगह हमें सुनने में आता था, एक मंत्रा था, सबका साथ सबका विकास। इस दफा उसमें जुड़ गया सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस दफा आपने कुछ शुरुआत इसमें की है। आपने पहले ही भाषण अपने एमपीज को संबोधित करते हुए कहा, कुछ आशा नजर आती है, रोशनी की किरण नजर आ रही। पिछले 5 साल में तो बिल्कुल अंधेरा ही था, निराश था। लेकिन उस जो आशा थी, आशा है अभी भी, वो बड़ी धुंधली, और आशा कभी धुंधली नहीं होनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट दोनों मिक्स नहीं होता। हमें ख्याल था कि बहुत सारे मंत्रियों ने जो 5 साल आपके मंत्रिमंडल में हैं, इतने बयान दिए उल्टे सीधे, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलित को खिलाफ बहुत सख्त से सख्त। तो अगर दूध का दूध और पानी का पानी होता था, वो मंत्रिमंडल में नहीं होने चाहिए थे। मैं उदाहरण देता हूं, 88 का प्रधानमंत्री भी थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे राहुल गांधी, राजीव गांधी जी। मेरे घर में ईद मिलन था। सुबह एक जनरल सेक्रेटरी, उन दिनों इतने जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, 3 या 4 जनरल सेक्रेटरी थे, कुलीग ने, मेरे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ने एक समुदाय के बारे में स्टेटमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, और प्राइम मिनिस्टर उसको सुबह से ही ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहा था। किसी ने उसको बताया कि, लेकिन दुर्भाग्य के बाद कि वो मेरी पार्टी में पहुंच गए और वो पार्टी में टकराव हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, जो तुमने आज स्टेटमेंट दिया एक समुदाय के खिलाफ, तुम्हें मालूम हो तुम किस पार्टी में? मैं समझा कि बड़ा गर्म हो जाएगा मामला, तो मैंने कहा, राजीव जी ये बाद में देखेंगे। और शाम को वो पार्टी से वो जनरल सेक्रेटरी निकाल दिया गया। पेपर में स्टेटमेंट था। जब किसी का विश्वास प्राप्त करना होता है माननीय प्रधानमंत्री जी, दोनों चीजें नहीं होती है, अरे चुप बैठो, अरे करते जाओ जो करते हो, ये दोनों नहीं है। इसी को ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं। तुम जो करते हो करते रहो, हम बोलते जाएं, ये दोनों नहीं। जो करता है उसे सबक मिलना चाहिए और उससे करोड़ों लोग सबक सीखने चाहिए, क्योंकि सबक किसी को नहीं मिलता है। मैं ये खाली माइनॉरिटी या दलित की बात नहीं कर रहा हूं, किसी के खिलाफ कोई भी हो, क्या रहा है, मॉब वायलेंस वैसे ही चल रही। कल हम एक अंसारी का देख रहे थे झारखंड में, झारखंड तो अड्डा बन गया है लिंचिंग का और मॉब वायलेंस, अड्डा फैक्ट्री बन गई है। हर हफ्ते वहां तो मॉब वायलेंस में, लिंचिंग में, दलित और मुस्लिम को तो मरना है ही है, वो तय है, वो कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। इसका क्या पर? इसलिए ये सबका साथ सबका विश्वास तब होगा माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इसमें आपके साथ, इस जंग में आपके साथ हैं, इस लड़ाई में आपके साथ। लेकिन ये दिखे तो कहीं नजर पे, इसका एक्शन तो कहीं नजर आए, एक्शन नहीं नजर आता माननीय प्रधानमंत्री जी।